देशवासी लोगों को भरोसा उठ गया है। एससी एसटी ओबीसी के लोगों का ईवीएम मोबाइल की तरह सॉफ्टवेयर है, जब तक बैलेट पेपर चुनाव नहीं होगा तब जनता का जनादेश नहीं आएगा, इनका आरक्षण का कोटा नहीं होगा। पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां कहां जाए, आरक्षण खत्म हो जाएगा इनका। अरे लूटा है आप लोगों ने, बैलेट पेपर लूटा है, चीरहरण हुआ है पंचायतों के चुनाव में, महिलाओं को ज्योति के साथ चीरहरण हुआ है। श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं जनजाति कार्य मंत्रालय की अनुदान मांग 2022-23 की चर्चा पर मैं अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, हमारे सदन के नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी को बधाई देता हूं कि हमें बोलने के लिए मौका दिया। मानव आज़ादी के 75 साल बीत गए, लेकिन आज भी जो आदिवासी हैं, जनजाति के लोग हैं, आज उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, जबकि सरकारें तमाम बजट भेजती हैं और केंद्र सरकार ने उसके लिए बजट फिक्स किया है। क्योंकि जल और जंगल में आदिवासियों का, जनजातियों का आधिपत्य रहा है आदिकाल से, और जब से सृष्टि की रचना हुई द्रविड़ लोग मूल निवासी भारत के जो है जनजाति और आदिवासी थे, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद उसके पहले जितने अंग्रेज आए, लेकिन इनका डेवलपमेंट विकास नहीं हुआ, उनकी वन संपदा में जो उनका अधिकार था सारा का सारा उनका छीना जा रहा। आज हम देख रहे हैं कि एसटी आबादी वाले 1,17,000 लगभग करीब गांव हैं, लेकिन आज वहाँ स्कूल नहीं है, वहाँ सड़क नहीं है, वहाँ तमाम जगह बिजली नहीं है, टेलीफोन सुविधा नहीं है, तमाम जो मूलभूत सुविधाएं मानव के विकास के लिए होना चाहिए आज वो नहीं है। आरक्षण भारतीय संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में 7.5% का उनका आरक्षण दिया, आज भी उनका आरक्षण पूरा नहीं है। उनके 1.1% भी IAS अधिकारी, कोई देश में कुलपति नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है, और जब कोई विदेश ट्रेनिंग होती है तो कोई एक भी कोई उनका अधिकारी विदेश ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाता है, और कह दिया जाता है इनके सबका साथ सबका विकास है। मानवर देश की आज़ादी में चाहे हमारे जितने भी आदिवासी हैं, उनका सबसे पहले उनका हाथ रहा, चूँकि उस समय सड़कें नहीं थी, पुल नहीं थे, चाहे हमारे बिरसा मुंडा हो और तमाम आदिवासियों ने अपनी जान की कुर्बानी बलिदान दे करके देश को आज़ाद कराया था, लेकिन आज वही लोग मूल सुविधाओं से वंचित हैं। और हम ये कहना चाहते हैं आज देश में रोजगार की कमी है, जो एसटी का व्यक्ति जैसे मध्य प्रदेश में माझी है, अगर वो दिल्ली आ जाता है, किसी स्टेट में आ जाता है, तो समान कैटेगरी में हो जाता है। हम लोग संकल्प भी लाए थे, बिल भी लाए थे, और हम लोगों ने मांग किया था कि इनका डेवलपमेंट करने के लिए, जब आपका रोजगार नहीं कहीं चला जाता है तो उसको आरक्षण से वंचित कर दिया जाता है, और वन संपदा में इनका अधिकार छीना गया। मानवर दोहरी शिक्षा नीति के कारण आदिवासी लोग, वहाँ जो प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ दोहरी शिक्षा नीति है, वहाँ पर उस शिक्षा से वो IAS नहीं बन सकता है। अगर पेपर होता है, एक होता है, इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा वो क्वालिफाई करेगा, तो दोहरे पेपर की व्यवस्था होना चाहिए। तो ये दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करके समान शिक्षा नीति लागू किया जाना चाहिए। मानव आज हम देख रहे हैं कि देश में तमाम घुमक्कड़ आदिवासी जातियां हैं, आज उनका कोई उनकी गणना नहीं है। हम चाहते हैं जाति जनगणना हो जाए, उनकी गिनती कर ली जाए, उनको मूलभूत सुविधाएं जो दी जानी चाहिए देना चाहिए, और उनको उनके संख्या के आधार पर उनको भागीदारी दिया जाना चाहिए। मानवर आज हम देख रहे हैं कि जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं वो एसटी बाहुल एरिया में नहीं है, वो सामान्य एरिया में है, तो उनको उससे नाम तो उनके है लेकिन उनको वंचित किया जा रहा है। आज देख रहे हैं कि हम लोग शिक्षा के अधिकार से जब हम छीनेंगे, क्योंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है सवाल करेगा और अनपढ़ व्यक्ति क्या करेगा, आज उनको केवल 5 किलो चावल 1 किलो नमक में जीने के लिए छोड़ दिया गया है। आदिवासी लोगों को भरोसा उठ गया है एससी एसटी ओबीसी के लोगों का कि ईवीएम मोबाइल की तरह सॉफ्टवेयर है,
जब तक बैलेट पेपर चुनाव नहीं होगा तब जनता का जनादेश नहीं आएगा, इनका आरक्षण का कोटा नहीं होगा। पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, नौकरियां कहाँ जाए, आरक्षण खत्म हो जाएगा इनका। तो इसलिए पूरे देश के लोग, हम तो सभी राजनीतिक दलों से मांग करेंगे कि ईवीएम का बहिष्कार करें, बैलेट पेपर चुनाव कराएं। जब जिन लोगों ने ईवीएम मशीन बनाई वो लोग बैलेट पेपर चुनाव करा रहे हैं, तो आज उनके जनादेश का सम्मान होना चाहिए। और हमने देखा यूपी में अखिलेश यादव जी को 304 सीटों पर जब पोस्टल बैलेट में उनको बहुमत मिला, 51.5% वोट मिला, तो लेकिन जो है वहाँ पे सरकारी मशीनरी पे और ईवीएम मशीन से उनको हरवा दिया गया। मानवर, मैं यही कहूँगा कि जो आदिवासी वनवासी हैं इनकी मूलभूत सुविधाओं को जो है तो उन पर बजट दिया जाना चाहिए। अरे लूटा है आप लोगों ने, बैलेट पेपर लूटा है, चीरहरण हुआ है पंचायतों के चुनाव में, महिलाओं को ज्योति के साथ चीरहरण हुआ है। किस तरह से दो दिन बाद जो है आप लोगों ने। प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी,